हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैंने सोचा था कि थोड़ा गियर चेंज करते हैं, कॉमेडी से थोड़ा पॉलिटिक्स या किसी सीरियस टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मेरी एक वीडियो पे नज़र पड़ी और सच में बताया नहीं जा सकता कि क्या ये पॉलिटिक्स या एक सीरियस मैटर है या कैमोफ्लाज हुई हुई है कॉमेडी एक सीरियस मैटर के अंदर। एनीवे, ये कुछ पैनलिस्ट्स हैं जो पाकिस्तान से हैं और इंडिया में जो कश्मीर में टेररिज्म होता है मेनली और बाकी एरिया में भी, उसके जो दो बड़े ग्रुप हैं हिजबुल मुजाहिदीन समथिंग ऐसे कुछ प्रोनाउंसिएशन है और लश्कर ए तैयबा LET और HUD कुछ कहते हैं, HUM आई थिंक। उसका एक बंदा था जिसको मुझे याद है कोई प्लेन हाईजैक करके जिसको अफगानिस्तान ले गए थे और उन्होंने उस बंदे को छुड़वाया था। काफ़ी पहले की बात है, 90s की बात है ऑलमोस्ट, या 2000s, अर्ली 2000s की, आई थिंक 90s की बात है क्योंकि 2001 में तो 9/11 ही हो गया था। एनीवे, और ये उससे पहले की बात है। और ये लोग उससे रिलेटेड जो बंदा है, जो उन ग्रुप का चीफ है, उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे ये थोड़ा सा यकीन नहीं हुआ, मैंने यार ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे लोग इन चीज़ों को ऐसे डिफेंड करते होंगे जिसके कि आउट राइट पब्लिक एक पूरा का पूरा कंधार इंसिडेंट हो रखा है। एनीवे, देखते हैं क्या बात कर रहे हैं लोग। अच्छा ठीक सर, और आप समझते हैं कि मसूद अजहर की जो बात की जा रही है, हाँ ये मसूद अजहर उस बंदे का नाम है जो वो हिजबुल मुजाहिदीन जो ग्रुप है वो जिन्होंने पुलवामा वाला भी अटैक करवाया था, है कि उनको बैन करना चाहिए, आप इस पे कैसे कमेंट करेंगे? देखें वो बात, अरे भाई उनको बैन करना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए। उन्होंने बड़ी ठीक की है कि देखें असल मसला यह है कि आपका लेवल ऑफ स्टैंस क्या है। मसला पता क्या है, चीक वेरा जो है वो पैदा होता है निकारागुआ में, आगे लड़ता है अपना बोलीविया में, वहां से आके जाके जाता है अपना क्यूबा में, वो दूसरे मुल्कों में लड़ता है, वो हीरो है। ठीक, वो जनरल क्यूबा में आगे लड़ता है। मसला पता क्या है, चीक वेरा जो है वो पैदा होता है निकारागुआ में, आगे लड़ता है अपना बोलीविया में, वहां से आके जाके जाता है अपना क्यूबा में, वो दूसरे मुल्क। भाई आप गलत हो, चे गुवेरा जो है ना वो क्यूबन रेजिस्टेंस का मेंबर था, ये जो अभी भी वहाँ पे जो लीडर्स हैं जो मर गए अभी थोड़े दिन पहले, कास्ट्रो, फिदेल कास्ट्रो और जो कास्ट्रो ब्रदर्स हैं उनके साथ ही मिलकर उसने लड़ाई की थी, और वो एक्चुअली बाद में बोलीविया गया था वहाँ की रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस क्या बकवास फालतू की, वहाँ पे लड़ने, और वहाँ पे फिर उसे पकड़ के लटका दिया था CIA ने बोलीविया के अंदर ही, और बोलीविया की गवर्नमेंट ने ही उसको पकड़वा दिया था। नहीं है भाई, हीरो चोर है, वो चोर है, ठीक है, वो उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वालों के लिए हीरो होगा। वो जनरल जैप जो था वो लड़ा था जाके, और उसके बाद वो फ्रेंच नोबेल जो लड़ा था वियतनाम में, वो हीरो है। सात्रे जाके अल्जीयर में लड़ता है, हीरो है। सात्रे भाई, सात्रे वाज अ फिलोसोफर। सात्रे जाके क्यूबा में जाके उसके साथ मिलता है, वहां जाके गन लेके जाता है, वो हीरो है। एक तो यार ये ऐसे बोल रहा है, वो जाता है वहाँ, जाता है वहाँ लड़ता है, वो हीरो है, वो करता है वहाँ के, करते जाके लड़ता है, करता है, हीरो है। अरे भाई थोड़ा सा क्लियर बता देना, जो बात हो रही है उसको पूरा एक्सप्लेन कर, ये वहाँ जाके लड़ा और इसलिए आप उसको हीरो कंसिडर कर रहे हो, कर कोई नहीं रहा। आई डोंट अग्री विद सार्त्रे फुली, बाय द वे फ्रेंच फिलोसोफर था बेसिकली, जिसको नहीं पता, एग्जिस्टेंशियलिज्म से रिलेटेड। बट जो आप बोल रहे हो उसको पूरा क्लियरली तो बोलो, समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं यार। वो तो हीरो नहीं, वो तो दहशतगर्द है। ये कोई स्टैंडर्ड है दुनिया के भाई? वो नहीं है, बाकायदा से प्लेन हाईजैक करके उसको छुड़वाया गया है। वो क्या अच्छे लोग थे क्या जिन्होंने प्लेन हाईजैक कर लिया? वो टेररिज्म की किसी भी डेफिनेशन के बाहर है क्या वो चीज? इसके अंदर आप समझते हैं कि मसूद अजहर जो है वो नहीं हो सकता? मतलब सारा ये है कि जब उन्होंने करना होगा कर देंगे। तालिबान क्यों नहीं है इस वक्त टेररिस्ट लिस्ट के ऊपर? अफगान तालिबान जो है उनमें एक बंदा भी टेररिस्ट लिस्ट के ऊपर नहीं है, क्योंकि मसला ये है कि उनको उनका हिकमत यार को क्यों निकाला है उन्होंने। ये जब तक USA लड़ रहा था उनसे तब तक वो थे टेररिस्ट लिस्ट के ऊपर। जब एक अग्रीमेंट रीच हो गया, उस अग्रीमेंट के अंदर जो शर्तें हैं कि उनको हटाना होगा, तब उन्हें हटाया है। ठीक है, टेररिज्म जो उन्होंने किया है उसके लिए उनको अकाउंटेबल करने की उन्होंने पूरी कोशिश की और वो लड़ते रहे, उन्होंने उनके दबा के बंदे मारे। तो कितने ही ज़्यादा ड्रोन अटैक्स हुए होंगे उनके ऊपर,
यार मुझे लग रहा है कि ये जो जो भी अंकल हैं ये बहुत ज़्यादा सिंपलीफाई कर रहे हैं पूरी की पूरी चीज़ों को, जो भी ये लॉजिक दे रहे हैं चीज़ों के पीछे उनको ये पूरा पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, नेटी ग्रेटी में नहीं जा रहे चीज़ों की, जस्ट ऊपर ऊपर से बता रहे हैं। ठीक है, एक ट्रीटी हुई उसके तहत ऑफकोर्स कोई भी बंदा, जो ये तालिबान का फियास्को पूरा का पूरा हुआ है अफगानिस्तान में, हर कोई कह रहा है भाई अमेरिका गलत है इस सिचुएशन में। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये अंकल क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, ये पता नहीं उन्होंने ये सुना है कि नहीं सुना है, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, इंटरनेशनल हम जहाँ बैठ कर तबसे उससे करते रहते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो उसके अपने मिजाज हैं, वो जब जाने जाने ये सारे के सारे मामला जो है ना, जो जो कोर्ट हैं ये खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही, अमेरिका ने इजाजत नहीं दी इराक को। हर कंट्री में उनके एक्शंस के ऊपर डिस्कशंस होते हैं, क्रिटिसिज्म होता है, इनफैक्ट ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। शेफ साहब, और उस जो ये लास्ट वाली बात समझ में, किसने किसको नहीं दी हरकत? मुद्दा ने काम नहीं देते, वो अमेरिका को इराक पे हमले की इजाजत नहीं मिली, अकवाम मुद्दा ने काम नहीं देते, वो वापस ले गए अपने सारे के सारे डोजियर वापस ले गए, आकर हमला कर दिया, क्या कर लिया। आई डोंट थिंक अगर अमेरिका को हमला करना होता है ईरान पे तो वो यूएन की इजाज़त लेता, वो कर देता। हालांकि मैं अवेयर नहीं हूँ ये जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के अगेन कोई बंदा कहता है ऑयल के लिए इराक पे हमला किया था, तो ऑयल तो और कंट्रीज़ में भी बहुत है उनका, सऊदी से ही बहुत है, पूरी की पूरी डिपेंडेंट है सऊदी कंट्री उनके ऊपर, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, इतना सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता। शेफ साहब, और उस डोजियर में वो सुना जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों की हवालगी का मुतालबा किया है, उसमें बहुत सारे लोग जो अखबारी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक उनका ताल्लुक खालिस्तान तहरीक से, जबकि वो लोग तो पाकिस्तान में है ही नहीं। आप समझते हैं कि ये बातें जो है अफगानिस्तान को मतलब ये पाकिस्तान को इनको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? देखिए, बात यह है कि जहां तक किसी की हवालगी का ताल्लुक है उसका तो कोई जवाब बनता नहीं है। आप बरतानिया से कई दफा कह बैठे हैं कि आपको वो अल्ताफ हुसैन मिल गया, और हर मुल्क अपने अपने मफादात की रोशनी में फैसले करता है, और इन एनी केस आप अगर कहें कि जी ये बंदा है ही नहीं यहाँ पे, तो वो कौन साबित कर सकता है कि यहाँ मौजूद था। दूसरी बात ये है अंकल कह रहे हैं कि अरे तुम मानो ही मत ना तो कैसे साबित करेंगे सही सही तुम मान ही कह रहे हो। हम जो बात कर रहे थे, देखिए मौलाना मसूद अजहर का जो किस्सा है वो पाकिस्तानी सिटीजन है, अगर इंडिया उस पर उंगली रख दे कि ये मुजरम है तो हम साहब मान लें कि ये मुजरम है, उसके लिए कोई ना कोई सबूत चाहिए। कोई अंकल पूरा का पूरा प्लेन हाईजैक हुआ है, इस बात को 20-25 साल हो गए, आपको क्या लगता है एक आम आदमी के लिए एक पूरा का पूरा टेररिस्ट ग्रुप एक कंट्री में जाके प्लेन हाईजैक कर लेगा? ऐसा वाकया चाहिए जिससे वाकया बता दिया उसके बारे में बात करें, पाकिस्तान की हुकूमत को हमले के साथ ही तो हमें डिफेंड करना चाहिए उसको पूरी तरह, हमले के साथ ही तो कबूल कर लिया उन्होंने जो उसका इल्जाम। अंकल कह रहे हैं हमें पूरी तरीके से डिफेंड करना चाहिए। एक कहावत सुनी थी, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा हर शाख पे उल्लू बैठा है। जिसको समझ आएगा वो समझेगा मैं क्या कह रहा हूँ। अब है क्या उसकी जिम्मेदारी है पुलवामा हमले की जिम्मेदारी? सर नहीं, हमने तो नहीं कबूल की उसको पुलवामा में, तो हमने कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की, ना ही उसका था, हमने नहीं की, लेकिन ना ही उसका कोई ताल्लुक है। हमने सुन तो लो अंकल क्या कह रही है मोहतरमा, हमने तो डोजर मांगा नहीं, उसने नहीं की, ये तो एक कोई वीडियो नोट की है, जब अगर चेक करें तो हो सकता है ये, देखे जो जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा है ये दोनों ब्रांड नेम्स हैं, ये वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है वहाँ पे कश्मीर में जो ये इस्तेमाल कर रही है नाम। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान से? वो अच्छा अंकल कह रहे हैं ब्रांड नेम, मुझे लगा कह रहे हैं बैंड नेम है, बैन हुए हुए, क्योंकि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये। अच्छा अंकल कह रहे हैं ये ब्रांड नेम है, जैसे कि लाइक माइक्रोसॉफ्ट गूगल टेस्ला। अच्छा आपके से ये ब्रांड प्रोड्यूस हो रहे हैं, मजाक कर रहा हूँ यार। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमें उसका
हमें उसको दफा करना चाहिए, वरना ये ट्रेडिशन बन जाएगी कि जिसको बाहर से कोई मुजरिम गिरदान दे आप उसको पड़ जाए। ये तो नहीं कल को यही लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे अगर हम उनको दीवार से लगाएंगे। अगर आप अपने लोगों को खुद मुजरिम बना के तो ये कह रहे हैं अंकल कि भाई अगर कोई उनको बाहर से ब्लेम कर रहा है तो हमें उनको डिफेंड करना चाहिए। अगर हम ऐसे तो हम किसी को भी कोई भी कह देगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर हम इनको डिफेंड नहीं करेंगे तो वो हमारे ही पीछे पड़ जाएंगे। तो मतलब आप क्रिमिनल्स को डिफेंड करोगे अपने खुद के डर से? आपको उनको कंट्रोल करना चाहिए, उनको डिफेंड करने की जगह। हमारा अलमिया ये है कि हमारे अपने लीडर्स ने और लोगों ने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं मुख्तलिफ वक्तों में पिछले 10 साल में, जिसमें के जिससे कि आपने अपने मुल्क को खुद मुजरम बना के पेश किया है। फॉरेन ऑफिस के लिए उनको डिफेंड करना मुश्किल बन जाता है। यार आइडियली आपको करना ही नहीं चाहिए डिफेंड, ऑक्सफोर्ड यूनियन या किसी डिस्कशन में गए थे, आई थिंक बीबीसी या किसी चीज़ पे हुआ था, किसी ना किसी ब्रिटिश प्लेटफॉर्म पे उन्होंने जाके बोला था कि ये गेम होती है और हमें गेम खेलते हैं और हमने किया था वो। ये उस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये उसकी बात हो रही है, उस बंदे की बात हो रही है। तो आई नहीं थी, तो ये तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे जिन्होंने जिम्मेदारी। मसला ये जी, और ये साहब, ये जरदारी साहब के मसला है अंकल, मसला है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। एक बोल लो यार, जरदारी साहब के थे जी। अच्छा जरदारी साहब, तो उससे क्या हुआ? बंदा तो आपकी कंट्री है। देखिए सब, आप सुफान सेंटर जो है मेहता का, वुडरो विल्सन सेंटर का, उस बिल्कुल नहीं किया। देखिए मैं, सुफान सेंटर ने उनको वुडरो विल्सन सेंटर के तहत जो रिपोर्ट आई है अलकायदा इन अफगानिस्तान, अब आपने सब कंटेंट उसने पढ़ ले, जैश ए मोहम्मद लश्कर तैयबा टोटल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में फंक्शन कर रही है, किसी का तल्लक पाकिस्तान के साथ नहीं है। और उनकी ओहो, अंकल ने तो पूरी ही नई बात, नई कहानी बना दी। बकायदा वीडियोस हैं आपके जी जो लोग हैं इस बात की कि इन्होंने इसको फाउंड किया है। यूएसए ने, जो कि एक न्यूट्रल कंट्री है, आपके ही साइड था बहुत सालों तक, बकायदा इनाम रखे हुए हैं इन लोगों के ऊपर, और ये कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिपेंडेंट क्या, स्पेस से हमले करते हैं? वो स्पेस में रहते हैं, आपकी कंट्री में रह रहे हैं ना, आपकी कंट्री में स्पीचेस देते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो वो जो जगह है, वो जो जिस एनवायरनमेंट में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो आपकी कंट्री में ही तो है। उनके बकायदा उन्होंने नेटवर्क है, उससे बकायदा तस्वीरें हैं उसके अंदर का, कौन किसका सरबरा है, और इन सब का सरबरा आसिम उमर है, और आसिम उमर जो है वो इस वक्त उनका पूरे का पूरा उन्होंने बना लिया, वो पाकिस्तान से आजाद हो चुके हुए हैं। कोशिश तो की थी समझने की, बट कुछ खास समझ में नहीं आया, क्योंकि जो लेफ्ट साइड वाले अंकल हैं वो कह रहे हैं कि डिफेंड करो नहीं तो वो हमें ही पड़ जाएंगे, और राइट साइड वाले अंकल कह रहे हैं कि वो हमारे वहाँ है ही नहीं, हमसे वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं। भाई ये तो दोनों एक दूसरे को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो समझ नहीं आया। और ये वाले अंकल हंस रहे हैं राइट साइड वाले, लाइक ईविल हंसी जो होती है। एनीवे जैसा कि मैंने कहा था कि बात होनी थी थोड़ी सीरियस, बट मुझे ही अपने आप में एक कॉमेडी लग रही है, तो एंजॉय करो। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।